और राइस अभी हो रहे है टाइम अपना ढाई, मतलब ढाई बजने वाले हैं। और राइस आज आए हैं डेस्क, मेरी दादी आई है, दूसरी मेरे भाई आए हैं एंड सस्ती बहन। क्या बोला तूने? सस्ती बहन मतलब बहन आई है, दादी खा दो। हाय, वैसे मेरी रुक जाता होगा मेरा नाम है आर्यन रॉकस्टार। अच्छा, तो ये सुपर आ रही है और ये मुझसे पहले आ रही है। ये मेरी दादी, ये है दूसरी दादी, ये भी दादी, दो दो दादी, तीन तीन चार चार दादी है मेरी। नानी एक, और ये मेरा भाई है, और दोनों दादी है। यमुना भाई है। अब हम खेलने जा रहे हैं। आज आर्यन बाहर खेल रहा है, ये रहा आर्यन बाहर खेल रहा है, साइकिल अपनी चला रहा है, तो हम चलते हैं ऊपर। जा रही हूँ ऊपर। मैंने फ्रिज में चापे रखी हुई है बड़े पतीले में दही के अंदर मैश करके, तो उसको हम रात को तंदूर में बनाएंगे। तब तक मैं प्याज की कटिंग कर लेती हूँ। ये रही हमारी चाप जो मैंने फ्रिज में रखी हुई है इस टाइम पे मैश करके। अब इसको हम ऊपर तंदूर में ले जाके भुनेंगे। तो मैंने इधर प्याज की कटिंग कर ली है, इसके अंदर मैंने करी है। तो गाइस हम लोग कोयले ढूंढ रहे हैं, एक चैपा हो गया है कि कोयले ही नहीं है हम लोग ऊपर गए तंदूर लगाने के लिए, बट कोयले ही नहीं थे, तो अब हम लोग कोयले की दुकान ढूंढ रहे हैं, देखो मिलते हैं या नहीं मिलते। फाइनली गाइस हम लोगों को कोयले मिल गए हैं, खुले तो मिल नहीं रहे थे, तो फिर एक किलो लेने पड़े हम लोगों को, क्योंकि उनके पास ना थैलियाँ पूरी पैक्ड होती हैं, तो हम लोगों को पैक ही लेने पड़े, खुले वो दे नहीं रहे थे। तो हम चलते हैं छत पर। फाइनली हम लोग छत पर आ चुके हैं और हम लोग तंदूर लगाने लगे हैं। ये रहा हमारा तंदूर, अब इसमें पहले कोयले डालेंगे फिर इसको जलाएंगे। ओ माचिस तो मैं लाई नहीं, समय को बोल दो ना, आवाज मार दे समय को। और ये रहा हमारा बटर और इसके अंदर है चांपे। समय आया, उसको पता ही नहीं है कि मैं छत पर हूँ, इसको डराते हैं ऊपर चल करके। ऊपर चल के आगे चलो, कितना देर हो रहा, कहाँ घुस गए बैठ गए, डर गया बेचारा। ऐसे मत किया करो, क्यों तू डर जाता है। हाँ यार, राधे नहीं आया ऊपर, उसको आवाज मार, आवाज मार उसको, यहाँ से आवाज मारना सीढ़ियों से, बाहर थोड़ी है वो नीचे है। तो मैंने तो अपना यार स्वेटर उतार दी, मुझे लग रही थी गर्मी, मुझे चुभ रहा था स्वेटर। इधर कोयले अभी तक नहीं जले, ट्राई हो रहा है जलने का। राधे राधे तक आवाजें नहीं जा रही हमारी, नीचे की आग लगी हुई है उसके। ओके, कोयले तो बड़े बड़े दिए इसने, छोटे थोड़ी है। धुआं आ रहा है गाइस। मम्मा अब सीट तैयार कर रही है, चाप लगा रही है। ये जो चाप अपनी, ये इसको ऐसे कर दो ना, इसको इसके अंदर ही डाल, अरे ये जो बाहर निकली हुई है ना, इसको भी ऐसे लपेट दो इसी में। हां इसके अंदर गाइस, मैं नीचे चप्पल ढूंढ रहा था और ये रही मेरी चप्पल। जैसे तो मम्मा से लदी नहीं रही, खाने का मन कर रहा है यार, बहुत अच्छी दिख रही है, मजा आ रहा है मुझे। हमने टॉयलेट जल रहा है मस्त, हाथ भी सेक रहे हैं उसी के साथ साथ। बस दो दो करके डालनी है, और एक स्टिक और लगाओ ना इसमें, इसी में ही एक स्टिक और लगाओ, इसी के अंदर। हाँ इसी के अंदर ही ऐसे करके, वो ऐसे पलटने में नहीं तो गिरती रहती है। इसी में कैसे साथ साथ मत लगाओ, थोड़ा सा गैप रख के लगाओ ना, जैसे कि इस साइड से थोड़ा सा गैप रखना बीच में ना। जैसे देखो इधर स्टिच लग रही है, खुल गई अपनी चाप। और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, फिर नीचे तक खेल रहे सब, डर ही लगता है। हेलो भाई, ये व्यू है, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, खून गिर जाओ तो भाई हाथ तपते हैं। ये चीज़ें हो जाता है। अच्छा ये तो वो हट उठाने से ही होता है,
हवा लगनी पड़ती है गाइस ताती तो ले जल्दी जल्दी हाँ। इधर हमने सीखों में लगा दी हैं चापे, बहुत मुश्किल थी लगानी क्योंकि बर्फ से जमी पड़ी थी। ये रही और चापे हमारी, अब ये हो जाए पहले जल्दी जल्दी से, फिर इसको अच्छे से और बनाएंगे दिखाएंगे आपको तब भी कि हम कैसे बनाते हैं घर पर ही तंदूरी चाप है। पार्ट वाली कोली भी इसी के अंदर ही रख दी ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए, बटर भी इसी में ही हो जाएगा मेल्ट। कोले में अच्छे से जल गए है ना, आग पकड़ ली है कोयलों ने। क्या खेल रहे हो? कबड्डी। कबड्डी में क्या होगा? अच्छा तू मतलब इसको टच करेगा इधर आ करके? अच्छा तभी वो मेरे को बोल रहे मामी इसको पकड़ लेना आएगा तो इधर है और नहीं तो क्या, तू आ तो सही पकड़ लिया अभी तुम लोग इतना अंधेरे में चले गए, अंधेरे में नजर नहीं आ रहा। मैं छू करके भागूंगा, अंधेरे में नजर ही नहीं आ रहा, फ्लैश लाइट जला के कैसे जलेगी। आरी चांपे पकने लग गई हैं बट अभी और अच्छे से पकाना है इसको। ये दोनों अपना खेलने लगे हैं, कबड्डी 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 करे जा रहे हैं। ओला यार क्या होता है। हमारी इतनी सी चापे हुई हैं और ये लगी हुई हैं, अभी बस होने वाली है, एक और रह गई ना बस, उसके बाद चलेंगे नीचे। हमारी चापे तैयार हो चुकी हैं, जो इसमें करना रह गया था वो हमने ओवन में रख करके कर लिया। साथ में इधर बन रही है हमारी रोटियां। यहाँ पर हमारी चापे आ चुकी हैं और खाने वाले देखिए सब बैठ गए हैं सोफा टेबल पे। हम गाइस अच्छा अच्छा तू तो नजर ही नहीं आया मेहनत करता हुआ। आप तो मेहनत पता चल देगी। अच्छा ये ले भैया ले, समय चलो शुरू हो जाओ। एक बजे तक ये व्लॉग चलने वाला है। अच्छा व्यू बताओ कैसी लगी चाप मैंने बनाई है। बढ़िया पिछोरी चाप से बढ़िया, पिछोरी चाप से बढ़िया, सही बात है। हाँ जी कैसी लगी समय जी? बढ़िया। हाँ जी आप बताओ दोनों कैसी लगी? ये खाने में मस्त है, अभी वो कह रहे पहले खाने दो फिर बताएंगे हम रिव्यू। मैं भी अब खाने लगी हूँ तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यार एक और डब्बा आ गया शादी का, हा। इस बार तुम्हारे घर पे शादियों के कार्ड ही आए जा रहे। तो गाइस ये डब्बा आया है तो आपके सामने मैं ओपन करने जा रही हूँ। अरे वाह वाह भाई वाह, ये है माता की चोंगी। ओ ये तो लेकिन 30 तारीख को है, 30 तारीख को तो हमने जाना है। कहाँ जाना है गट्टू? ये वैष्णो देवी। 30 तारीख की गाइस हमारी ट्रेन है और वीडियो ऑन है, ऑन तो है। मुझे लगा वीडियो ऑन नहीं है। और ये है शादी, अच्छा कॉकटेल 4 तारीख की, एंड 7 की मैरिज और 8 की हमारी एनिवर्सरी गट्टू। और ये तो तुमने खा लिया, ये पहले ही निकाल कर निकल गया भाग गया आर्यन, ये देखना इसका मतलब मेरे से पहले ही तुम लोग डब्बा खोल चुके हो। वाह भाई हद हो गई है, इसमें क्या है खोलना जरा गट्टू, ये भी तुम मेरे को लग रहा है निकाल चुके हो सब, मेरे से पहले ये डब्बा खुल चुका है ऑलरेडी। वाह भाई वाह, ड्राई फ्रूट्स नमकीन है और ड्राई फ्रूट्स हैं। अच्छा हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि ये नमकीन है। नहीं है। क्या हो गया
पजामा मेरा सारा वो होल हो गए, दो दो होल। यहाँ पर सूरज जी ने अगरबत्ती जला रखी थी जिससे कि मच्छर यहाँ से भाग जाए। बताओ मेरा पजामा सारा जल गया, अंदर से शुक्र बच गया। बड़े खराब हो गट्टू तुम, अब अगरबत्ती वापस लगाइए जा करके। तो गाइस अब हम लोग नीचे आ चुके हैं और मैं इधर बना रही हूँ सूरज जी के लिए और अपने लिए बादाम मिल्क। और यहाँ पर सूरज जी कोई मूवी देख रहे हैं साउथ की। तो गाइस मैं यहीं पर ही व्लॉग को मैं आज का मैं एंड करती हूँ। कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, अभी के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को और आगे शेयर जरूर करना। बाय बाय। 2 hours later गाइस देखो घड़ी में 12 बज चुके हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू नेहा जी। चलो जल्दी फोन करके एक मैसेज आया है, थैंक यू। गाइस यहाँ पर बहुत सारे हमारे दर्शक आए हुए हैं, ये देखिए सारे यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। हमें ये हमारा आर्यन और मैं तो हुई हूँ रिकॉर्डिंग गाइस। खींच मेरी फोटो। आरे लगा दी इसको लाइट, अब हो गया रंग बिरंगी, अब करेंगे जश्न मनाने की तैयारी। और यहाँ आ चुका है हमारे बीच में केक, अभी पेस्ट्री लेके आए हैं, अभी एक पेस्ट्री काटी जाएगी चॉकलेट वाली। और उसके बाद जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे डे। हाँ हैप्पी बर्थडे, शांति से मुझे पैसे खराब हो यार, कोई बोलता ही नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो मम्मा, हाउ इज योर बात पे हेलो मम्मा। हेलो, ये नया जी लगाएंगे भव माता रानी को भोग, उसके बाद में हम सब करेंगे। माता रानी का वो है बर्थडे, माता रानी का लग भी गया लिप्स पे। अब राधे मम्मी का करेगा मुंह मीठा, पहले तू खाया। ओए मुंह पे क्यों लगा दिया? कोई बात नहीं, मेकअप और अच्छा होगा। राधे को रंग बिरंगे करने की कोशिश। आप सब कहेंगे कितना अंधेरा कैसे हो गया गाइस, तो मैं लाइट ला देता हूँ थोड़ा सा दिखाई। हेलो सूरज जी, हेलो गाइस, आपके लिए मेरे बर्थडे का केक। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे बर्थडे पे। हैप्पी बर्थडे टू मी। और मैं सुंदर कैसे दिख रहा हूं? है ना दिखा रहा है। मैंने मेरे बर्थडे पे सबको केक खिलाया पर मेरे बर्थडे पे किसी ने नहीं खिलाया। अब खिला रहे हैं, गड़गड़ गड़गड़ देखो देखो, झूठ बोल रही थी और मैंने झूठ को सच कर दिया, सच को साबित कर दिया कि हम खिला रहे हैं। हम क्यों खिलाएं? अब पार्टी देनी है कितने की? 32 साल की, 32000 की। मैं 32 साल की हो गई, पता नहीं कितने को के बाद काउंट करेंगे। 33 तो गए, ये सब बच्चे पीछे पड़े पार्टी के लिए। तो नया जी को पार्टी देनी चाहिए हम सब बच्चों को, बहुत छोटे छोटे हैं। आप मैं अपना जन्मदिन मनाने जा रही हूँ वैष्णो देवी, उससे पहले कोई बर्थडे पार्टी नहीं होगी। मैं बर्थडे मनाऊंगी जाके वैष्णो देवी में माता रानी के पास। ये शांति से ना पार्टी दे दो, ठीक हो रहा है? पार्टी दे दो, पार्टी पार्टी क्या होती है? जरा पार्टी लाइयो, बाहर पड़ी हुई है बाल्टी। अभी इसको बाल्टी ला दो, कह रहे हैं बाल्टी चाहिए। अभी पेस्ट्री में आपने मुंह पर चिपका दूँगा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आज पहली बार ऐसा हुआ है मेरे घर में से किसी का फोन नहीं आया। देख मैं दिव्या का मैसेज आया, फोन नहीं आया। देखिए गाइस कितना प्यारा, श्वेता मेरे को फोन करती थी सबसे पहले, उसका फोन नहीं आया।
अरे हो जाता है, कोई बात नहीं है, दुनिया है, परिवर्तन संसार का नियम है। देखो मामी मैं जो आज है वो कल नहीं, जो कल है वो परसों नहीं है। समय भी नहीं आया। तो जिन लोगों को लगता है कि वो सर्व हमेशा वैसे ही रहेगा, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि जो आज है वो कल नहीं है। तो एक संदेश है छोटा सा उन लोगों के लिए। I am so excited कि मेरा बर्थडे है। अच्छा वो इसीलिए क्योंकि पिछले साल भी मेरे जन्मदिन पे सूरज जी मेरे को वैष्णो देवी लेके गए थे, और इस साल भी मैंने सूरज जी से गिफ्ट मांगा था कि मुझे मेरे जन्मदिन पे वैष्णो देवी जाना है। तो इसीलिए थैंक यू सो मच सूरज जी मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए मेरे जन्मदिन पर। हमने तो नेहा जी को ये गिफ्ट 6 महीने पहले ही दे दिया था। रुको, मैं इतने दिनों से मम्मा के बर्थडे पे गिफ्ट दे यार, उसका क्या? और राधा का भैया मेरी जान है भैया, ये तो मम्मा के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। राइस नदली में ये तो मेरा लाडो है, ये तो राइस वीडियो के लिए है। अच्छा यस चल अब दवाई ले। अब बोल सारा मूड खराब है, लाइट पड़ रही आंखों में। गाइस तो अभी हमने अभी शुरुआत होगी है नया के बर्थडे की, छोटी सी हमने पेस्ट्री काटी है, और कल देखो कल हम एक नया में जो उधर पार्टी देगी सरप्राइज दे रहे हो, बहुत सारे सरप्राइज देंगे टाइम टू टाइम। कल से एक्साइटेड हो अभी हम अभी 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 हम अभी हम थके हुए हैं, अभी हम लोग सोने जा रहे हैं। मेरे को नींद नहीं आएगी, एक मुझे तो नींद आ रही है। गाइस अभी हम मूवी देख रहे थे, मूवी में ये देखो सारा मूड खराब कर दिया। कैसे देखा? इसमें गोल्ड की हमने वो डाली है कॉइन। हाँ अच्छा 24 कैरेट का, और वो भी खाने वाला। हाँ वो किसको मिलेगा देखना है। ब्लैक कलर का। अच्छा अच्छा हो गया। सच में क्या है इसमें 24 कैरेट की गोल्ड की कॉइन डाला है। अच्छा और मैंने तो कुछ गोली डाली हुई है ब्लैक गोल्ड की। ब्लैक गोल्ड हाँ वो जो है ना बकरी होती बकरी गजब बेइज्जती है। अरे नहीं नहीं हम तेरे बर्थडे बना रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमने तेरे जो पेस्ट्री के ऊपर जो है ना गोलियां चॉकलेट की है, क्योंकि तेरे को वो है ना कौन सा चोको चिप टे फ्लेवर तेरा बोतरे बहुत पसंद है, और वो हाँ अरे बच्चे लेकिन गलत ले आए ना। नहीं ब्लैक फॉरेस्ट तो है लेकिन चोको चिप लेके नहीं आए, मेरे को कहा था चोको चिप लेके आना डार्क चॉकलेट। बेटा मेरे साथ में एक बात और भी बोली थी, एक बात और भी बोली थी, मैंने ये बोला था सस्ती वाली क्या है। तो ये वही सस्ती वाली लानी है। नहीं चॉकलेट वाली लानी है लेकिन सस्ती वाली लानी है, क्योंकि गाइस देखो तो भी अब वो था स्टार्टिंग थी, तो हमने डिसाइड किया था कल एक बड़ा सा केक लेके आएंगे चोको चिप वाला, बहुत बड़ा केक है ना 10 किलो का, पूरे पूरे हमने नेहा की फैमिलीज में और कहते हैं हमारी फैमिलीज ने कुछ कुछ गली में भी की। नेहा का बर्थडे अभी डेट पास आ रही है। गाइस अब हमारे पास टाइम कम रह गया, आज 25 तारीख खत्म होने को आ गई, आज 26 तारीख शुरू हो चुकी है नेहा के बर्थडे के साथ में। अब हमारे पास गिनती से 3 या 4 दिन रहते हैं, 5वें दिन तो हमने जाना है यहाँ से, हम निकल जाएंगे दोपहर को करीब यहाँ 5 से 5 बजे के आसपास चले जाएंगे, निकल जाएंगे 5 से 6 बजे के आसपास स्टेशन के लिए, क्योंकि एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी, ट्रेन है हमारी, और फिर उसके बाद में हम आपको 1 तारीख को हम सुबह आपको मिलेंगे कटरा रेलवे स्टेशन पे, जब वहाँ उतरेंगे तो आप सबसे लाइव आएंगे, और फिर पूरा पूरा हलचल बताएंगे और बताएंगे माता रानी के वहाँ पर यात्रा की पूरी डिटेल देंगे, सब कुछ बताएंगे, अच्छा एक अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे और ब्लॉग भेजेंगे आपके पास, जल्दी आएगा हमारा नया ब्लॉग। तो गाइस आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेहा को बहुत सारी विशेष करें।
आपका लाइक हमारे लिए विश के बराबर है, तो जितने ज़्यादा लाइक हो लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। तो अभी हम इस ब्लॉग को भी यहीं समाप्त करते हैं, तो गुड नाइट गाइस, बाय बाय, हैप्पी बर्थडे टू मी। आए रे मेरे यार कमर ने ठाटा कर दे।